नमस्कार, रेल विकी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राजधानी और दुरांतो टाइप ऑफ ट्रेन्स के अलावा जो भी लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स होते हैं उनमें दिव्यांग कोटा के तहत स्लीपर क्लास में 4 बर्थ अलॉट किए जाते हैं, 2 लोअर बर्थ पेशेंट के लिए एंड 2 मिडिल बर्थ एस्कॉर्ट के लिए एंड 3rd एसी कोचेस में 2 बर्थ अलॉट किए जाते हैं, 1 लोअर बर्थ पेशेंट के लिए और 1 मिडिल बर्थ एस्कॉर्ट के लिए। दिव्यांग पैसेंजर्स जिनको की दिव्यांग कंसेशन दिया जाता है उन्हें ही दिव्यांग कोटा में सीट मिलता है। दिव्यांग कंसेशन लेने के लिए आप रेलवे द्वारा जो दिव्यांग आईडी कार्ड बनता है वो बना सकते हैं या फिर आपके नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिव्यांग कंसेशन फॉर्म बनवा सकते हैं। हाल ही में इंडियन रेलवे ने 3rd एसी इकोनॉमी क्लास शुरू किया है जिसमें दिव्यांग कोटा की सुविधा नहीं दी गई। लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कई सारे लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 3rd एसी कोचेस नहीं होते हैं और 3rd एसी इकोनॉमी कोचेस होते हैं जिनमें दिव्यांग कोटा न होने के वजह से दिव्यांग पैसेंजर्स को कंफर्म सीट नहीं मिल पाती और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इंडियन रेलवे ने सितंबर 2022 को एक सर्कुलर निकाला है जिसके अकॉर्डिंग राजधानी या दुरांतो टाइप ऑफ ट्रेन के अलावा जो भी लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जिनमें की 3rd एसी कोचेस के बजाय 3rd एसी इकोनॉमी क्लास के कोचेस है उनमें दिव्यांग कोटा के तहत 2 बर्थ अलॉट किए जाएंगे दिव्यांग पैसेंजर्स को, 1 लोअर बर्थ पेशेंट के लिए और 1 मिडिल बर्थ एस्कॉर्ट के लिए। धन्यवाद।